दोस्तों मून्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम अब बनाएंगे बिल्कुल नई डिश, वो है खिचड़ी। खिचड़ी को हम सारी चीज़ें डाल के, खिचड़ी तो हमने बनाया है वेजिटेबल खिचड़ी, लेकिन उसको हम फ्राई करेंगे। बच्चे लोग नहीं खाते, तो उसको और टेस्टी बनाने के लिए हम उसको फ्राई करेंगे। तो चलिए, खिचड़ी फ्राई के लिए हमने काटा है प्याज, लहसुन, टमाटर, और शुद्ध घी से हम इसको करेंगे। और प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी धनिया, और ये हमारी खिचड़ी बनी हुई है। ये पकी खिचड़ी है। इसमें हमने मटर डाला है, गाजर डाला है, टमाटर डाला है और प्याज डाला है। तो ये सब डाल के हमने खिचड़ी बना ली थी। अब इसको मैं फ्राई करूँगी और फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्राई मैं शुद्ध घी से करूँगी, जीरा डाल के करूँगी। तो चलिए अब बनाते हैं हम खिचड़ी फ्राई। घी को हमने डाल दिया है कढ़ाई में। अब हम थोड़ा सा डालेंगे जीरा, फिर डालूंगी मैं हींग, फिर डालूंगी मैं लहसुन, 3 से 4 कली है, लहसुन ब्राउन हो जाए तो अब मैं डालूंगी प्याज। देखिए ये भुन गया, प्याज और लहसुन भुन गया, ये जीरा प्याज भुन गया, लहसुन भुन गया। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। और खिचड़ी में तो हमने सारे मसाले डाल के बनाए हैं, तो इसमें टमाटर और हरी धनिया डाल के फ्राई करेंगे। 1 चम्मच हरी धनिया डालते हैं। थोड़ा सा नमक डालूंगी जो कि खिचड़ी में है, बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी ताकि टमाटर, प्याज और लहसुन अच्छे से भून जाए। देखिए मसाला मेरा भून गया। अब इसमें मैं खिचड़ी को डाल दूंगी। खिचड़ी में हमने गाजर, मटर, टमाटर और प्याज डाला है, और एक आधी हरी मिर्च डाल के पकाया है। और मिर्च टू द टेस्ट होगा, आप अपने टेस्ट के अनुसार मिर्च को ज़्यादा कम कर सकती हैं। नमक पहले से ही डाला था खिचड़ी में। तो ये हमारी हो गई खिचड़ी फ्राई। ये देखिए हमारी खिचड़ी फ्राई बनके तैयार हो गई है। इतना टेस्टी, बहुत अच्छी बनी है। उम्मीद है आप इसे ज़रूर बनाएंगे। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। देखिए हमारी खिचड़ी फ्राई बनके तैयार हो गई है। भरता है भटे का भरता, इसके साथ खिचड़ी फ्राई खाइए। थोड़ा सा शुद्ध घी ऊपर से डाल लीजिए। भरते में को भी हमने शुद्ध घी से फ्राई किया है, तो बहुत शानदार भरता बनके तैयार हो गया है। और भरता और खिचड़ी बनके तैयार हो गई। उम्मीद है आप इसे ज़रूर बनाएंगी। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नई डिश के साथ। थैंक यू वेरी मच।